हेलो दोस्तों, ममाई ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे आपको कि तीरे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। दोस्तों, 5-7 महीने पहले अमीना बुटीक चैनल में हमने सिखाया था चार्ट पे, लेकिन आज हम आपको कपड़े के ऊपर दिखाएंगे हर साइज़ के अकॉर्डिंग कि किस हिसाब से आप तीरा रखेंगे, किस हिसाब से उसकी फ्रंट और जो आर्मोर लेंथ होती है कॉलर वाले में कैसे रखेंगे, बोट नेक में कैसे रखेंगे, ये सब आपको फुल डिटेल में इसमें आपको बताएंगे हम। और दोस्तों, जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आप कॉपी लेके या कोई भी अपनी नोटबुक लेके उस पर नोट कर लें। और दोस्तों, साथ ही हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, आप इसे डाउनलोड करें। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्योंकि एक डुप्लीकेट भी आ गई है हमारी उस पर, तो हमारी एप्लीकेशन ये वाली है, आप इसको डाउनलोड करें। इसे इसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो मोहम्मद ताहिर चैनल की हो, चाहे वो अमीना बुटीक चैनल की हो। और अगर आप मोहम्मद ताहिर चैनल में आप पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये प्रॉब्लम जो बताएंगे तीरे की और आर्मोर लेंथ कैसे रखेंगे, तो हम इस साइज़ में आपको बताएंगे जो होगा 30, 31, 32। दोस्तों, ये तीन साइज़ आप जो नाप लेते हैं बॉडी का, उसमें लूजिंग डालने के बाद जो तैयार नाप आता है, ये तैयार नाप है हमारे, ठीक है। इसके हिसाब से हम आपको बताएंगे, एक गले से लेके डीप से आपको 10 इंच गले तक हम आपको बताएंगे कितना तीरा काटेंगे, कितना फ्रंट रखेंगे, ये सब कुछ आपको इसमें डिटेल में बताया जाएगा। और दोस्तों, अगर ये आपको नाप लेने में दिक्कत होती हो, जैसे नाप आप ना ले पाते हो, तो हमारी बॉडी मेजरमेंट की वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही एक बॉडी मेजरमेंट टिप्स करके हैं, दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम इसमें आपको बताएंगे कि बोट नेक में कितनी आर्मोर लेंथ रखेंगे, कितना तीरा होगा, और कितने क्या नाम है कॉलर वाले में कितनी आर्मोर लेंथ रखेंगे, कितना तीरा होगा, कितना फ्रंट होगा, और बाजू काटने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो आप दो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें एक वीडियो को ज़रूर देखें, तो उससे आपको पता चलेगा कि बाजू किस हिसाब से काटी जाती है, हम उसका कैसे भाग निकालते हैं, सब कुछ आपको उसमें बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप ये देखिए 30, 31 और 32, ये हमारा तैयार नाप है। अगर आप पुराना कपड़ा नापते हैं और आपका ये तैयार नाप होता है, ठीक है, यानी कि पुराने कपड़े में जो नाप बैठ गया इनमें से, वो आपका तैयार नाप होता है, उसमें कोई लूजिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से चलना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डेमो के लिए हम सबसे पहले इतना हिस्सा हम छोड़ लें, ठीक है, ताकि हम आपको आसानी से दिखा पाएँ। दोस्तों, इस साइज़ में हमारी जो आर्मोर लेंथ होगी, गला हमारा देखिए, हमारा जो आगे का गला होगा तकरीबन 7 इंच हर कोई पहनता है, ठीक है, या 6.5 इंच ये गला ज़रूर पहनता है आगे। तो ये आपका आगे का गला होगा, हम इसमें जो ब्रॉड लेते हैं 2.5-3 इंच के आसपास लेते हैं, हम इसमें एक मिनिमम आगे का गला आपका ये रख रहे हैं, कोई भी साइज़ कितना भी डीप हो बैक गला, लेकिन हमारा आगे का गला यही होगा, ठीक है। इसमें हम कितनी आर्मोर लेंथ रखेंगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस साइज़ में जो आप आर्मोर लेंथ रखेंगे वो होगी आपकी 6.5 इंच, इसको आप सीधा कर लो यहाँ से, ये आपकी आर्मोर लेंथ होगी इस साइज़ के अंदर, ठीक है। और जैसे हमारा साइज़ है 31 इंच, 30-32 के बीच में हम ले लेते हैं 31 इंच, तो हमारा ये आएगा 7.5 इंच। आप यहाँ पे एक निशान लगा लें, ये सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ कपड़े पे, ताकि आप इस पर सीख पाएँ कि किस हिसाब से आप कटिंग करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा बस्ट का, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम फ्रंट कहते हैं या तख्ती कहते हैं। तो ये हम कितना रखेंगे इस साइज़ के अंदर, तो दोस्तों ये आएगा आपका 5.5 इंच, ये आपका 5.5 आएगा इस साइज़ में 30, 31, 32 में। और ये जो आपका तीरा आएगा, तीरा हम आपको दोस्तों बताएंगे 5 गले से, आगे का गला यही होगा 7, 6.5, लेकिन हम आपको 5 इंच डीप गले से बताएंगे तीरा काटना। तो 5 इंच अगर आपका बैक गला डीप है, आगे का 7 या 6.5 आपको यही होगा, आगे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बैक गला हम 5 इंच का अगर हमारा डीप होता है, तो ये देखिए आपका 5.5, तो यहाँ पे आपका फ्रंट हो गया। अगर आपका बैक गला 5 है तो आप यहाँ पे 5.5 निशान लगाएंगे, यानी कि जितना नीचे आपने लिया है इतना आप यहाँ पे लेंगे, और इसको इस हिसाब से फुट्टे से निशान लगाएंगे। ये आपका आर्मोल कट गया। कमर की लेंथ हम ले लेते हैं तकरीबन इस साइज़ में 14 आती है। ये निशान सीधा करने के बाद हम कमर का निशान लगा लेते हैं कोई भी अंदाजे से, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये आपका जो निशान लगा दिया हमने सिर्फ एक अंदाजे के लिए, ठीक है, तो आपका ये जो आर्म होल का निशान लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हम गले की ब्रॉडनेस लेंगे
वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमारे हिसाब से चलें, लेकिन जो मिनिमम ब्रॉडनेस आएगी इसमें आएगी 5.25 इंच की, 5.25 इंच की। यहाँ पे आप एक निशान लगा लें और यहाँ से आप आधा इंच के यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और उसे फुट्टे से इस हिसाब से तिरछा करके इस हिसाब से निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको कैंची लेनी है, कैंची लेने के बाद आप इसे सबसे पहले ये सीधा कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद दोस्तों आप इसको इस हिसाब से ये आपने काट दिया, ठीक है। यहाँ से आपका जो मार्जिन होगा कमर तक आप उसको ले लेते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, डेमो के लिए हमने सिर्फ ये आपका काट दिया है कि अगर आपका बैक गला 5 इंच होगा तो आप क्या काटेंगे। लेकिन अगर आपका बैक गला, अगर आपका बैक गला डीप है, आगे का हमारा यही रहेगा, अगर आपका बैक गला चाहे आगे से आपका 7.5 हो, लेकिन अगर आपका बैक गला डीप 6-7 इंच है तो आप क्या करेंगे, ये आपका जो गले का ये जो तीरा आएगा, ये तीरे वाला हिस्सा ये हो जाएगा 5.25 इंच, यानी कि यहाँ से आप इसको 5.25 कर लेंगे। नीचे का हिस्सा आपका उतना ही रहेगा जितना आपका पहले था। आपको क्या करना है, फुटा लेके इसको ऐसे रख के निशान लगाना है और यहाँ से हल्की हल्की शेप दे देनी है और इसे कटिंग करना है। कटिंग वैसे ही होगी सेम, ठीक है। फिर यहाँ से आपको हल्का हल्का ये छाटना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा बैक गला, आगे का गला हमारा यही रहेगा, हमारा बैक गला अगर 8 या 9 इंच है तो हमारा यहाँ पे तीरा आ जाता है आपका 5 इंच, ठीक है। 5 है, या आप हल्का साइज है ज़्यादा 4.25 भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा गला डीप होगा तो नीचे का हिस्सा आपका उतना ही रहेगा। आप इसको ऐसे निशान लगाएं और यहाँ से आप इसको इस हिसाब से शेप दे दें, यहाँ का हिस्सा नहीं लाना, आप ऊपर से इसे फिर छाटेंगे। दोस्तों अगर आपका बैक गला डीप होगा 10 या 11 इंच तो आपको क्या करना है, आपका ये जो फ्रंट है 5.5 इतना ही रहेगा, आपका ये जो तीरा है यहाँ से तीरा आपका हो जाएगा यहाँ पे 4.25 के आसपास, ठीक है, 4.25 के आसपास। यानी कि आपका जैसे जैसे गला डीप होगा आप यहाँ से एक एक पैर छाटते रहेंगे, नीचे का हिस्सा उतना ही रखेंगे और फुट्टे से आप निशान लगाएंगे इस हिसाब से जैसे मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप इसको शेप दे देनी है आपको, और कंधी आपकी सीधी करने के बाद उतनी ही डाउन होगी 1/2 इंच, और आप इसको इस हिसाब से देखिए शेप दे देंगे, ठीक है। आर्म लेंथ आपकी 6.5 इंच ही रहेगी, ठीक है। और अगर आपको बाजू चढ़ाते वक्त दिक्कत होती है यहाँ पर, तो आप यहाँ से जैसे बाजू चढ़ाते हैं तो आप यहाँ से हल्के हल्के इसको छांट भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मुड्डा छोटा पड़ जाता है, पहली बार आपको पड़ेगा नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें अगर आप हमारे हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों ये आपको हमने बता दिया कि 5 गले से लेके 11 इंच के गले तक बैक गला अगर आपका डीप है तो तीरा के हिसाब से रखेंगे। फ्रंट आपको हमने बता ही दिया है, ठीक है, और आपको गले की ब्रॉडनेस भी हमने बता दी है। लेकिन अगर आप चाहें गले की ब्रॉड बढ़ाने के लिए 3.5 इंच यानी 7 इंच कोई पहनना चाहता है कस्टमर, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। गले डीप के हिसाब से सिर्फ आपको ये कटिंग करना है। तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें इसमें। इसी साइज़ के अंदर जब आप बैक काटेंगे अपनी, किस हिसाब से काटेंगे, तो ये देखिए पहले तो आप इसको बराबर से मिला के रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे डाउन करके कटिंग कर दें। जो आप अपनी बैग काटेंगे इसमें हल्का साइज़ है तो आप इसको इस हिसाब से देखिए, आपको बैग लेनी है, ये हम आपको दिखा देते हैं। आप ये देखेंगे जो हमारा ये निशान है, हम यहाँ से आपको नाप के दिखाते हैं, ये आपकी बैग आ रही है 1 इंच में 1 सूत कम, हल्का साइज़ है, गला डीप है हमारा 11 इंच के आसपास, तो आपकी इतनी कटेगी। लेकिन अगर हमारा गला डीप ज़्यादा हो जाता थोड़ा, तो हम इसको हल्का सा बढ़ा भी लेंगे 1 इंच के आसपास, तो हमारे को इस साइज़ में बैक अपनी हमारी इसी हिसाब से इतनी बड़ी कटती है। फ्रंट काटने के बाद आपको बैक इतनी ही बड़ी काटनी है, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों गले का हमने आपको बता दिया कि कितनी आर्म लेंथ रखेंगे, कितना फ्रंट रखेंगे और कितना तीरा रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले बोट नेक में, कि हम बोट नेक में कितनी लेंथ रखेंगे इस साइज़ के अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम बोट नेक के लिए पहले कपड़ा बिछा लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि बोट नेक और कॉलर में कितनी लेंथ रखेंगे, आर्म लेंथ, ठीक है। ये जो मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ, इसमें दो चीज़ों को आप नोट करना जो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हमारा जो 30, 31, 32 साइज़ है, इसमें जो अपनी आर्म लेंथ लेंगे हम, बोट नेक हो या कॉलर वाला हो, ठीक है, उसमें हमारी लेंथ आएगी इसमें 7 या 7.25, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप 7 पे कटिंग करो बेटर रहेगा, कम होता है तो आप हल्का मुड्ढा छांट सकते हो, लेकिन बड़ा होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी।
आप 7 इंच पे इस साइज़ में निशान लगा लें। उसके बाद हमारा इसमें तीरा तकरीबन 13 इंच होगा, तो हम यहाँ से देखें 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे तीरे का। और हमारा ये आपका बाजू का मार्जिन होता है एक पैर का, ठीक है। एक पैर का मार्जिन लेना हमारी जो भी टिप होगी, आप बाजू चढ़ाएंगे एक पैर के मार्जिन से, ठीक है। कई लेडीज़ होती हैं इतना इतना मार्जिन देती हैं, देखिए आधा आधा इंच का, इतना मार्जिन नहीं लेना, कम मार्जिन लेके चलना है। हमारा जो नाप है 31 इंच का हम नाप रखते हैं, तो हम यही देखिए 7.25 इंच पे हमने निशान लगा रखा है 31 का चौथा भाग। उसके बाद हमारा जो फ्रंट होगा, जो हमारी तख्ती है, वो दोस्तों 5.5 पे ही रहेगी, जैसे कि हमने उसमें रखी थी गले वाले में, ठीक है। हमारा तीरा देखिए यहाँ पर कितना है, 7.75 इंच पे हमने निशान लगा लिया, 13 इंच तीरा था, जितना हमारा 13 इंच तीरा है, हम यहाँ से भी इसको 13 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से 13 इंच लेना है हमें, ये हमारा बैक साइड का है, इसको हम पीछे वाले निशान से बैक वाले निशान पर ला के निशान लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा निशान हम फुट्टे को इस हिसाब से तिरछा रखेंगे और ये निशान लगा लेंगे। आप यहाँ से इसको हल्का हल्का ऐसे करके राउंड दे दें, दूसरा आप यहाँ से राउंड दे देंगे, ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारा बैक का राउंड हो गया। अब दोस्तों बोर्ड नेक का हमारा है 5 इंच, ठीक है। अगर हम बोर्ड नेक रखते हैं कोई, जिसमें 5 इंच हम बोर्ड नेक का वो रख देते हैं ब्रॉड, और इस साइज़ में हम 3.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा गहराई में पहनना चाहता है तो 4 पे भी रख सकते हैं, मिनिमम 3 इंच होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको, ये हमारा इस हिसाब से बोर्ड नेक कट जाता है। तो दोस्तों बोर्ड नेक हमेशा तीरा आपका बड़ा कटेगा, जो कि आपका तैयार नाप होता है इस तीरे के अंदर, ठीक है। तो आप हमेशा इतना बड़ा तीरा काटें, और जो मैंने आपको तरीका बताया इस हिसाब से आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल ओके बन जाएगा। यहाँ से आप अपनी कंधी 1/2 इंच डाउन करेंगे बोट नेक में। तो कैसे इसे कटिंग करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको इस हिसाब से यहाँ तक काटना है, जितना आप बोट रखेंगे 9 इंच रखें, वैसे 5 इंच रख लेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर आप 9 इंच भी रखते हैं तो उस वहाँ तक सीधा करना है, फिर वहाँ से आप इसे 1/2 इंच डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद आप अपने बैक वाला जो निशान है, बैक निशान पर हमेशा कटिंग करनी है पहले, और उसको इस शेप में कटिंग कर लें। ये आपकी कटिंग हो गई। नीचे कमर का निशान जो होगा वो आप ले लें, ये सिर्फ आपके सिखाने के लिए मैंने निशान लगाया है। और दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें जो हमने लेंथ ली है, अगर आपका कॉलर वाला पीस है तो आप इतनी लेंथ में कॉलर वाला पीस भी बना सकते हैं, लेकिन आपको उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम ब्रॉड इसमें रखते हैं 5.25 इंच का, तो आप यहाँ पर 5.5 कर लें कॉलर वाले में, यहाँ पर निशान लगाएँ, और यहाँ से आप जो कंधी डाउन करेंगे वो करेंगे 0.5 इंच, 1/2 इंच से एक पैर फालतू, और यहाँ से आप इसको तिरछा करके ऐसे निशान लगा दें और इसको कटिंग कर देंगे। तो ये आपकी कॉलर वाली कटिंग हो गई। बोट नेक की मैंने आपको पहले बता दी, कॉलर वाली ये हो गई, ठीक है। जब ये 2 कटिंग आप कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, ये देखिए बैक वाला निशान तो मैंने आपको बता दिया, फ्रंट वाले निशान पर हम कटिंग करेंगे इसको। हम ये हमारा फ्रंट निशान वाला कटिंग हो गया। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी आसानी के लिए यहाँ पे कमर का जो है नाप अंदाजे से लगा लेता हूँ कोई भी, ताकि आप इसे समझ पाएंगे ढंग से। तो ये दोस्तों आपकी कॉलर वाली कटिंग ऐसे होगी, बोर्ड नेक वाली की ऐसे होगी। दोस्तों एक कॉलर वाली कटिंग हम करते हैं, जो कि हम उसमें 1 इंच उठा के काटते हैं, तो हम उसमें 1 इंच उठा के काटेंगे तो हम कितनी लेंथ लेंगे, तो हम आपको वो भी बताते हैं। तो दोस्तों अब जो हम आपको बोलते हैं कि 1 इंच बैक कॉलर वाले में 1 इंच उठा के काटो, तो सबसे पहले आप इसमें ऐसे निशान लगाएंगे, एक आपका 30, 31, 32 साइज़, ये जो तैयार नाप है, इसमें जो निशान लगाएंगे आप, वो आप निशान लगाएंगे यहाँ पे 7.5 इंच पे, 7.5 लें या 7 लें, ठीक है। इसमें आप कोई भी नाप ले सकते हैं, 7.5 लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाते हैं 31 इंच वाला ही, इसमें फ्रंट रखेंगे हम 5.5, इसका तीरा था 13, तो हम यहाँ पे 6.5 रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 7.5 इंच, ब्रॉड रखेंगे 5.5। उसके बाद हम इसको देखिए, यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा, आसानी से दिखेगा। फुट्टे से आप पहले बैक वाले पे निशान लगाओ, फिर यहाँ से आप फ्रंट वाले पे निशान लगाओ। उसके बाद यहाँ की जो इसमें कंधी डाउन होगी वो होगी यहाँ पे 1 इंच ऐसे लेके आप इसको यहाँ पे डाउन कर दें। इस बातों का ध्यान रखना दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इस पर निशान लगा लो आप बैक वाले का,
फ्रंट वाले का भी निशान लगा लो, कटिंग करो इस हिसाब से, और आप पहले बैक वाले को कटिंग करेंगे। दोस्तों जब आपकी इतनी कटिंग हो जाएगी तो मैं नीचे का आपको जैसे निशान लगाया था आप लगा सकते हैं, सिर्फ कपड़ा कम है तो हम कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि ऊपर वाला हिस्सा कैसे कटिंग करना है, नीचे वाला तो आप हमारी कोई भी कटिंग वाली वीडियो देख के काट सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये आपका ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा कट जाएगा फिर आप इसको इस हिसाब से रखेंगे। आपको मैं दो तरीके के कॉलर बता रहा हूँ, एक क्योंकि कभी कभी होता है कपड़ा एक बराबर होता है तो मैंने आपको बता दिया कि बराबर वाले में कितनी लेंथ रखेंगे, लेकिन अगर कपड़ा हमारे पास काफ़ी खुला है तो आप ये वाला कॉलर बनाएं तो ये वाले कॉलर में फिटिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस साइज़ के अंदर आप पौना इंच उठा के काटेंगे इस हिसाब से, इंची टेप से पौना, अभी दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, मैं आपको पौना इंच मैं आपको मुँह से बोल के बता रहा हूँ, पौने इंच का आप निशान लगा लें। ठीक है, इसको आप यहाँ से इस हिसाब से पूरा उठा के काटेंगे और उसके बाद उठा के काटने का इस पर पूरा बराबर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए तो दोस्तों ये देखिए हमने कटिंग कर ली, अब उसके बाद हम इसके फ्रंट वाले हिस्से को छाटेंगे, और हमेशा आप हटा लें, अगर आप बिगनर हैं तो हटा के छाटें जिससे कि आपका बैक पल्ला कटने का डर ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा ये साइज इस हिसाब से आएगा, देखें। ठीक है, ये हमारी बैग उठा के काटते हैं, ये कॉलर हमारा सबसे अच्छा बैठता है। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए बाजू चढ़ाने में तो मैं आपको एक चीज़ और इसमें सिखा देता हूँ, चाहे वो कोई भी सूट हो, ठीक है, चाहे वो गले वाला हो कॉलर वाला हो, अगर आपकी लेंथ कम पड़ने की वजह से, क्योंकि आप हमेशा इसे कम रखें, ज़्यादा रखें तो दिक्कत हो सकती है, कम रखेंगे तो आपका ये हिस्सा है, देखिए गुलाबी चौक यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, आप इसको सिलाई आपने लगा रखी है पूरे सूट में, लेकिन आपकी बाजू के आरमोल छोटा पड़ रहा है, आपका जो बाजू का आरमोल है ये वाला आरमोल आपका छोटा पड़ गया, बाजू का बड़ा पड़ रहा है, तो आप इसको यहाँ से पहले एक एक पैर या आधा रेंच, ठीक है, इस हिसाब से ध्यान देना इस चीज़ पर, कभी फ्रंट पे लेके मत जाना, ये मेरे निशान गलत लग गए, आप इसको इस हिसाब से पहले बैक वाले हिस्से को कटिंग करेंगे। ठीक है, जब ये कटिंग हो जाएगा फिर उसके बाद आप इसको हल्का सा उठा के, क्योंकि ये स्टिच होगा आपका यहाँ पर, हल्का उठाने के बाद ना आप इसको इस जगह से देखिए, छाड़ दे बस, नॉर्मल सी बात है, ये कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप बनाने लगेंगे तो, यहाँ बिल्कुल फिनिशिंग से कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल वही फिनिशिंग आ गई, बस आपका मुट्ठा थोड़ा बढ़ गया, आपकी बाजू आराम से चढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलर बोट नेक गले डीप के हिसाब से कैसे तीरा फ्रंट रखेंगे, आर्म लेंथ कितनी रखेंगे, अब हम आपको बताएंगे कि बाजू के हिसाब से कटिंग करी जाएगी इस साइज़ के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए हमने कपड़ा लिया, हमने इसको इस हिसाब से बिछा दिया, हम इसमें कोई भी नाप रख लेते हैं, इस साइज़ के अकॉर्डिंग हम रख लेते हैं इसमें 5 इंच वाला नाप। ठीक है, 5 इंच हमारी बाजू है तो हमने 5.5 इंच पर निशान लगा दिया, हम इसमें जो आर्म लेंथ लेंगे इस हल्के साइज़ में हम लेंगे 3 इंच, हम दोनों को पहले सीधा करेंगे फुट्टे से। दोस्तों हम 31 साइज़ से आपको बताया था कटिंग करना, ठीक है, तो हम 31 का पांचवा भाग रखेंगे, ये हमारी आर्म लेंथ कहते हैं हम इसको, बाजू आर्म लेंथ, तो हम इसमें 31 साइज़ में जो हमारा नाप आएगा वो आएगा 6.25 इंच आएगा। ठीक है, और 6.25 इंच पे आप एक निशान लगा लें, आपकी बाजू होगी इसमें 10 इंच, 5 इंच पे निशान लगा लें, फुट्टे की मदद से आप इसको इस हिसाब से सीधा कर दें। ठीक है, फिर आप यहाँ से आर्म लेंथ इस हिसाब से लें, थोड़ा नीचे से ये आपको दिखाता हूँ मैं, इस हिसाब से आपको आर्म लेंथ लेनी है, यहाँ पे आपको जितना मार्जिन लेना है बाजू में आप ले सकते हैं। तो आप इसे कटिंग करेंगे और आप इसको कटिंग करने के बाद ऊपर जितना मार्जिन देना है आप उसको उस हिसाब से मार्जिन दें, और आप इसको यहाँ पे कट लगा लें, एक कट यहाँ लगा लें, एक सेंटर में लगा लें, उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद हम इसे फ्रंट को आर्मोल को छाटेंगे, तो हम इसको भी निशान लगा लेते हैं इतना इतना, अगर आप बिगनर हैं तो निशान लगा के काम करें, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी और आप कटिंग करने लगेंगे। फिर हम इसको इस पर छाट देंगे, ये देखिए ये हमारी बाजू छट गई, ये सिर्फ आपको सिंगल बाजू दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको डबल में काटनी है। ठीक है, क्योंकि कपड़ा हमारे पे कम है दोस्तों, हमें कपड़ा ऐसा लेना था कि आप आराम से उसमें निशान देख पाएँ।
दूसरा कपड़ा लेता हूँ। एक तरीका और आपको मैं बाजू का बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो हमने 31 साइज का काटा था इसका पांचवा भाग रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारे यहाँ वीडियो देखें जो डिस्क्रिप्शन में है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें है बॉडी मेजरमेंट टिप्स करके, आप उसमें ये देखिए इस हिसाब से बिछा दिया हमने कपड़ा, जो हमारा कपड़ा हमने इस हिसाब से बिछा दिया। इसमें भी नाप हमारा 5 इंच ले लेते हैं, 10 इंच की मोरी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें 3 इंच और 5 इंच तो 5.5 रख लेंगे, क्योंकि हमारी आधा इंच बाजू चढ़ाने में चले जाएगा। इस दोनों को निशानों को सीधा करेंगे। तो दोस्तों हमने जो ये निशान लगाया, इसके बाद जो ये वाला निशान लगाएंगे, हमने आपको बताया एक पांचवा भाग भी रखते हैं जो कि हमारा 6.25 इंच बैठा था, लेकिन एक नाप ये होता है। देखिए दोस्तों जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, आप हमारी जब मेजरमेंट वाली वीडियो देखेंगे, हमारा ये वाला हिस्सा किसी किसी का हैवी होता है, जो बाजू ऊपर ना चढ़ने की वजह से कंधे लटकते हैं या ऊंचे होते हैं। तो ये चीज़ का जब आप नाप लेंगे उस वीडियो में आप देख लेंगे कि हिसाब से आपको बताया है। मान लीजिए इसका नाप है, इसका जो हमने नाप लिया ये 10.5 इंच नाप है, तो हम कैसे रखेंगे इसमें, आप आओ मैं आपको बताता हूँ। अब हमने जो नाप लिया था अपने बाइसेप्स का, हमने अंदाजे से इसी साइज़ के अकॉर्डिंग बताया 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 नाप है हमारा, तो 10.5 में आप 3 इंच प्लस करेंगे तो ये होगा आपका 11.5, 12.5, 13.5। 13.5 का जो आपका हाफ नाप होगा वो होगा 7.25 इंच। तो आप यहाँ पे हमने 6.25 रखा था पहले, तो आपका ओके था, लेकिन यहाँ पे आप आधा इंच बढ़ा देंगे 7.25 इंच। उसके बाद आप इसको फुट्टे से निशान ऐसे लगा लें, और जैसे हमने बताई थी आपको बाजू काट के पिछली अभी, बिल्कुल वैसे बाजू कट कर लेंगे सेम, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सेम बाजू कट होगी। बस आपको ये दिखाना था कि इसमें आर्म लेंथ में क्या डिफरेंट हो सकता है। तो आप बॉडी नाप के हिसाब से आप ये चीज़ ज़रूर नाप करें जो आपको हम उस वीडियो में दिखाएंगे। तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, आप मेजरमेंट की वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अमीना बुटीक चैनल में हमारे उस मेजरमेंट की वीडियो, आप उसको ज़रूर देखें, और अगर आप उस वीडियो उस चैनल पर पहली बार जाएँ तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, जो मैंने आपको बताया 7.25 पे रख लें, ये बहुत ही कम लोगों को पता है, ये चीज़ आप नोट करें और आप मानेंगे जो मेरे हिसाब से आप बनाएंगे तो आपके सूट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फिनिशिंग में बनेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों वीडियो देख के लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता है, और साथ ही आप जो लोग नया सीखना चाहते हैं आप उनको आपस में शेयर करें, और हमारी अमीना बुटीक की जो एप्लीकेशन हमने बनाई है आप उसको डाउनलोड करें और उसे भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।